नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ गाजर के बर्फी शेयर करने जा रही हूँ। गाजर के हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, हर सीज़न खाया होगा, बट एक बार आप इस गाजर के बर्फी को ट्राई करें। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर ले रही हूँ, इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ और मैं इसे पील कर ली हूँ। इसके हेड और टेल पे मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर ली हूँ। इसे कोई भी मैं ग्रेड नहीं करने वाली हूँ, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको इसके बनाने में। मैं बहुत इजी वे में आपको इसे बताऊंगी। मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ 1 बाउल, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मैं 100 ग्राम यहाँ पे मावा का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं यहाँ पे 2 स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्टी बनने वाला है ये। तो सबसे पहले हम इसे रफली चॉप कर लेंगे, गाजर को इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैं रफली चॉप कर ली हूँ। अब इसे आप, बहुत इजी प्रोसेस है, मिक्सी में डाल दें थोड़ा थोड़ा करके, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चला के इसे अच्छे से आप ग्राइंड कर लें इस तरह से। एक लगातार आप नहीं चलाएं, नहीं तो उसके जूस निकल आएगी। तो देखिए, मैं इस तरह से सारे ग्राइंड कर लेती हूँ और ये हमारे बिल्कुल बारीक चॉप होके रेडी हो गया है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई घिसने का इसमें परेशानी नहीं है। अब इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल दी हूँ चीनी। हम यहाँ पे कोई दूध का ऐड नहीं करने वाले हैं और कोई पानी भी ऐड नहीं करने वाले हैं, बस इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद लीड लगा के इसे हम लो फ्लेम पे 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। और उसके बाद देखिए, बिल्कुल ऐसा ये निकल के आएगा। और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी है, तो इसे हम पैन में, कढ़ाई में निकाल लेंगे और पानी को सुखाएंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ घी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मावा भी ऐड करूँगी। तो पहले मैं 1 स्पून यहाँ पे घी ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे मावा जो हमने लिया था ना 100 ग्राम, वो मावा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ मैं यहाँ पे, तो चलिए मावा ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, बिल्कुल पानी इसका जो भी है वो सूख ना जाए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और आपको दिख रहा होगा कि ये ड्राई जैसा होने लगा है। फिर हम यहाँ पे 1 स्पून और घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बादाम चॉप करके डाल दी हूँ, आप नहीं भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ये। और ये देखिए, बस 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा और इसे ड्राई करना है, अभी थोड़ा सा ये लिक्विड जैसा लग रहा है। तो ये बिल्कुल हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। देखिए, ये घी भी निकल गया है, अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। कोई भी आप प्लेट ले लें, या इस तरह का बर्फी ट्रे अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये ले लें। इसे मैं ग्रीस कर ली हूँ घी से। अब इसमें हम जो गाजर का जो मटेरियल रेडी किए हैं ना, जो बहुत यमी सा दिख रहा है, वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी हूँ, और उसे स्पून की हेल्प से मैं पूरा स्प्रेड कर दूँगी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाए बर्फ़ी का इस तरह से। अब यहाँ पे ऊपर आप चाहें तो कुछ भी गार्निशिंग कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, किसी चीज़ से भी आप गार्निशिंग कर सकते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसे सेट होने के लिए मैं 1/2 से 1 घंटा के लिए रख दूंगी अच्छे से सेट होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, शायद ये सेट हो चुकी है। अब इसे चाकू की सहायता से मैं यहाँ कट लगा दी हूँ और बर्फी का शेप दे दी हूँ, और ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है बहुत ही सिंपल वे में। देखिए बनके कितनी स्वादिष्ट दिख रही है ना ये। तो मुझे उम्मीद है कि इस न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन पे आप ज़रूर बनाएंगे इस गाजर के बर्फी को बहुत ही सिंपल वे में।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह मज़ेदार रेसिपी के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पास ही दिखेगा एक बेल बटन, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।